हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक। सबसे पहले यहाँ से देन स्नैपशीट ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ से हमारा फ़ोटो ऐड कर लेते हैं। एंड देन हमारा फ़ोटो ऐड करने के बाद सिंपली यहाँ से इस वाले फ़ोटो पर हम लोग ग्रीन एंड गुलाबी प्लस ब्लर टोन डालने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से एडिट करने वाले हैं, वो भी स्नैपशीट से। एंड स्नैपशीट बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ोटो एडिट होता है। एंड वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सब तो यहाँ से हम सबसे पहले यहाँ से देन स्नैपशीट ओपन करने के बाद यहाँ से हमारा फोटो ऐड हो चुका है। देन यहाँ से पेंसिल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। पेंसिल वाले ऑप्शन जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ से टर्न इमेज पर क्लिक करना है। एंड टर्न इमेज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से उसका ब्राइटनेस को देन थोड़ा सा, इसमें बहुत ही ज़्यादा ब्राइटनेस दिख रहा है तो उसको देन थोड़ा सा माइनस करते हैं। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से उसको कंट्रास्ट को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से सैचुरेशन को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। देन सिंपली उसका सिंपली क्या करना है, यहाँ से एम्बियंस को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं, जिससे बहुत ही नेचुरल तरीके से फ़ोटो एडिट हो। एंड हाइलाइट्स को देन थोड़ा सा माइनस रखते हैं, जिससे फ़ोटो पर बहुत ही धब्बा टाइप दिख रहा है, डार्क टोन। तो हाईलाइट ज़्यादा रखेंगे तो ख़राब दिखेगा फ़ोटो। देन इसको हाइलाइट्स को देन थोड़ा सा माइनस कर देते हैं। एंड उसके बाद सिंपली क्या करना है, यहाँ से शेडोज़ को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से ब्रम्थ को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। देन इसके बाद राइट कर लेते हैं। एंड राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से फिर से टर्न इमेज पर क्लिक करना है इमेज। एंड सिंपली यहाँ से डिटेल्स पर क्लिक करना है। डिटेल्स पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से उसका स्ट्रक्चर को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। देन उसके बाद शार्पिंग को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड राइट कर देते हैं। देन राइट करने का सिंपली पेंसिल पर क्लिक करना है। पेंसिल पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से इसके बाद सेलेक्टिव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन सेलेक्टिव ऑप्शन जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से इस पर बैकग्राउंड पर जो है ग्रीन टोन डालने वाले हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। देन सेलेक्ट करने सिंपली यहाँ से इसको ब्राइटनेस को देन थोड़ा सा माइनस रखते हैं। एंड उसका सिंपली यहाँ से कंट्रास्ट देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। देन उसके बाद सिंपली यहाँ से सैचुरेशन को देन थोड़ा सा माइनस रखते हैं। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ से स्ट्रेंथ को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। फिर यहाँ से राइट कर लेते हैं। फिर देन अगेन यहाँ से पेंसिल पर क्लिक करना है। सेलेक्टिव पर क्लिक करना है। सेलेक्टिव पर क्लिक करना सिंपली यहाँ से फिर से इधर को थोड़ा ग्रीन करना है, तो यहाँ से ब्राइटनेस को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। देन यहाँ से इसके बाद कंट्रास्ट को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से सैचुरेशन को देन थोड़ा सा माइनस रखते हैं। एंड यहाँ से सैचुरेशन को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। फिर यहाँ से राइट कर देते हैं। राइट करने का सिंपली यहाँ से ब्रश पर क्लिक करना है। ब्रश पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से हमारा जो फेस है थोड़ा सा डार्क टोन दिख रहा है, ब्लैक डार्क टोन, तो इसको उसको स्मूथ करने वाले हैं एंड वाइट करने वाले हैं फेस को। देन सिंपली यहाँ से देन पॉज कर देते हैं। एंड पॉज करने के बाद सिंपली यहाँ से जूम करने के बाद यहाँ से ब्रश को ओपन कर लेते हैं। देन यहाँ से थोड़ा सा वाइट कर देते हैं। एंड अगेन यहाँ से हैंड को भी थोड़ा सा, देन उसके बाद यहाँ से भी, एंड उसके बाद अगेन ये हमारा जो है फेस स्मूथ हो चुका है। देन यहाँ से राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से क्या करना है, राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से ग्लोमर ग्लो टोन को सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्लोमर ग्लो टोन सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से जो है इसका ग्लो को माइनस रखते हैं। एंड यहाँ से इसका सेचुरेशन है जो उसको थोड़ा सा प्लस रखते हैं, जस्ट 42। एंड यहाँ से ब्रांड को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड उसके बाद राइट कर लेते हैं। देन राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से टोटल कंट्रास्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। एंड सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से हाई टोन्स को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड यहाँ से मिड पॉइंट को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड यहाँ से लो टोन्स को देन थोड़ा सा जस्ट प्लस रखते हैं। एंड उसके बाद यहाँ से प्रोटेक्ट शेडोज को देन थोड़ा सा प्लस रखते हैं। एंड यहाँ से प्रोटेक्ट हाइलाइट्स को देन थोड़ा सा माइनस रखते हैं। देन यहाँ से राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से फिर से पेंसिल पर क्लिक करना है। एंड पेंसिल पर आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ से विग्नेट पर सेलेक्ट कर लेते हैं। विग्नेट सेलेक्ट करने के बाद सिंपली यहाँ से आउटर ब्राइटनेस है उसको देन थोड़ा सा
माइनस रखेंगे एंड यहाँ से इनर ब्राइटनेस को देन थोड़ा सा माइनस रखेंगे। फिर यहाँ से राइट कर लेते हैं। राइट करने के बाद सिंपली यहाँ से पेंसिल पर क्लिक करना है। अब यहाँ से उसका ये हमारा फोटो एडिट हो चुका है। देन आप लोग देख ही सकते हो बिफोर देन या आफ्टर बहुत ही आउटपुट निकल कर आ चुका है। देन इसके बाद यहाँ से पेंसिल पर क्लिक करना है, यानी इसके बाद सिंपली लेंस ब्लर पर क्लिक करना है। लेंस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से इसको एडजस्ट कर लेते हैं, एडजस्ट कर एंड उसके बाद पूरा कवर होना चाहिए। बॉडी पार्ट्स हैं जो उतना ही कवर होना चाहिए। फिर पीछे पर जो है बैकग्राउंड पर ब्लर दिखेगा। देन आप लोग भी ऐसे ही ब्लर कर सकते हैं। देन यहाँ से इसका एडजस्ट कर लेते हैं ब्लर एंड उसके बाद थोड़ा सा इसको प्लस रखते हैं। देन यहाँ से एंड उसके बाद यहाँ से इसको राइट कर लेते हैं। एंड आप लोग देख ही सकते हो जस्ट वन क्लिक पर ब्लर हो चुका है फोटो। देन बिफोर देन या आफ्टर तो बहुत ही अच्छा से आउटपुट निकल कर आया है। एंड आप लोग भी ऐसे ही फ़ोटो एडिट कर सकते हैं, ग्रीन गुलाबी प्लस ब्लर टोन जो है आप लोग स्नैपशीट पर फोटो एडिट कर सकते हैं। एंड आप लोग देख ही सकते हो बिफोर देन या आफ्टर तो बहुत ही अच्छे से आउटपुट निकल कर आया है। एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएँ।